एक जंगल में टुनटुनी अपनी बेटी टुन्नी के साथ रहा करती थी। टुनटुनी अपनी बेटी से बहुत प्यार करती थी। आज मेरी बेटी का जन्मदिन है, मैं अच्छे अच्छे पकवान बनाकर उसे जरूर खिलाऊंगी। टुन्नी कॉलेज में पढ़ा करती थी और अपने साथ पढ़ने वाले कालू कौवे से बहुत प्यार करती थी। एक दिन टुन्नी बेटा, तुम्हें कॉलेज से आने में इतनी देर क्यों हो गई? मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। माँ, तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, अब मैं बड़ी हो गई हूँ। अब मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। टुन्नी सो जाती है और टुनटुनी सोच में पड़ जाती है कि उसकी बेटी ने ऐसा क्यों कहा। अगले दिन टुनटुनी अपनी बेटी टुन्नी का पीछा करती है और उसे कॉलेज में एक लड़के के साथ देख लेती है। बेटा टुन्नी, मैं तुम्हें कॉलेज पढ़ने के लिए भेजती हूँ या आशिकी करने के लिए? कौन था वो काला पक्षी जिसके साथ तुम इतने चिपक कर खड़ी थी? बेटा कुछ तो लिहाज करो अपनी माँ का, मेरा मुंह मत काला करवा देना। वो मेरे कालू जी हैं, मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ और जल्दी हम शादी करने वाले हैं। अगले दिन टुन्नी घर से भागकर कालू कौवे से शादी कर लेती है। ये बात टुनटुनी को पता लग जाती है। बेटा टुनटुनी, ये तूने क्या कर दिया? शादी के अगले दिन टुन्नी सो रही थी। कालू कौवा बहुत ही लालची पक्षी था। कालू कौवा टुन्नी के सारे गहने लेकर भाग जाता है। टुन्नी को कुछ पता नहीं चलता और अगले दिन, अरे कालू जी, कहाँ हो आप? अरे ये क्या, दरवाजा तो खुला है और मेरे गहने कहाँ हैं? बाहर जाके देखती हूँ। टुन्नी पूरे जंगल में कालू को ढूंढती है पर उसे नहीं मिलता। मैंने कालू जी के लिए अपनी माँ को धोखा दिया और कालू जी ने मुझे ही धोखा दे दिया। अगले दिन टुन्नी अपने घर आ जाती है और अपनी माँ से माफी मांगती है। माँ मुझे माफ कर दो, मैंने आपका दिल दुखाया है। कालू जी मुझे धोखा देकर भाग गए, मुझे माफ कर दो। आगे से ऐसी गलती नहीं होगी माँ, मुझे माफ कर दो। बेटा, माँ बाप हमेशा बच्चों का अच्छा ही चाहते हैं, पर बच्चे समझते नहीं। मैंने तुम्हें माफ कर। टुन्नी अपनी बेटी को माफ कर देती है। फिर वो दोनों हंसी खुशी रहने लगते हैं।